गुड मॉर्निंग गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में जिसे डॉग वर्ल्ड में काफी पावरफुल माना जाता है, जो है डॉग अर्जेंटिनो। क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर 500 पाउंड पर स्क्वायर इंच है, जो कि मोस्टली डॉग ब्रीड से काफी ज्यादा होता है। बट ये भी कहा जाता है कि डॉग अर्जेंटिनो अपनी फैमिलीज के लिए काफी लॉयल होते हैं, बट साथ ही साथ ये भी सच है कि अपने अग्रेशन की वजह से काफी सारी कंट्रीज में बैन भी हैं। और गाइस, हमेशा मैं आप लोगों को सभी डॉग ब्रीड के बारे में ऑनेस्टली बताता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को किसी भी डॉग ब्रीड के बारे में मिसगाइड करूँ। तो डॉग अर्जेंटिनो जैसी पावरफुल एंड अग्रेसिव डॉग ब्रीड को मैं उन लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा जिन्होंने आज से पहले किसी डॉग को नहीं रखा है। बट अगर आप लोग ऑलरेडी किसी डॉग ब्रीड को रख चुके हैं और आप लोगों को पता है कि डॉग्स को कैसे ट्रेंड एंड सोशलाइज करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग डॉग अर्जेंटिनो को परचेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर क्वालिटी के बारे में बात करें तो पपीज जो है वो एकदम प्योर एंड काफी अच्छी क्वालिटी में है, और ये चीज आप लोग इनके पेरेंट्स की क्वालिटी देखकर पता लगा सकते हो। वैसे ओनर की साइड से पपीज पे आप लोगों को पूरे लाइफ टाइम की गारंटी मिलेगी, और अगर आप लोग चाहें तो इन पपीज को लाइव वीडियो कॉल करके भी देख सकते हो। वैसे फ्रेंड्स, डॉग अर्जेंटिनो एक पावरफुल डॉग ब्रीड होने के साथ साथ काफी अच्छे गार्ड डॉग्स भी होते हैं, और कहा जाता है कि फियरलेस डॉग ब्रीड है जो अपने फैमिलीज और ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं। तो अगर आप लोगों को खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए किसी गार्ड डॉग की तलाश है तो आप लोग डेफिनेटली डॉग अर्जेंटिनो के लिए जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, डॉग अर्जेंटिनो व्हाइट कलर में होते हैं और इनका कोट बिल्कुल शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि कब इनकी शेडिंग हुई है और कब नहीं। तो इन डॉग्स को ग्रूमिंग की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, और न ही आप लोगों को इन डॉग्स पे महंगे महंगे शैम्पूस पे इतने ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। बट फ्रेंड्स, एक चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखें कि डॉग अर्जेंटिनो उन डॉग्स ब्रीड में से नहीं है जिन्हें शौक शौक में आप लोगों ने परचेज कर लिया और घर पर ले जाकर बांध दिया। भाई, अगर आप लोग इस डॉग ब्रीड को परचेज करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को इन्हें अपना टाइम देना पड़ेगा, इन्हें सोशलाइज और ट्रेंड करने के लिए। बाकी अगर आप लोग इस ब्रीड को अपना टाइम नहीं दे सकते तो प्लीज आप लोग इन्हें बिल्कुल भी परचेज ना करें, क्योंकि फ्यूचर में चल के आप लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वैसे गाइस, फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज की मदर है, जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी में है, और ये है इन पपीज के फादर। तो क्वालिटी वाइज आप लोगों को इन पपीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो भाई ये 25 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है अंबाला कैंट हरियाणा से। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ओनर जो है वो आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन भाई उस पे आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। बाकी अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट ओनर के पास जाकर भी इन्हें परचेज कर सकते हो। एंड फाइनली अगर इन पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो भाई ओनर जो इन पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो मेल के 35,000 रुपीस 35,000 रुपए, एंड फीमेल की 28,000 रुपीस यानी 28,000 रुपए। बट डोंट वरी गाइस, प्राइस नेगोशिएबल है, परचेज करते टाइम डेफिनेटली आप लोगों को इनमें डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी गाइस, ये हमारी कल की काफी शानदार वीडियोस हैं, तो आप लोग इन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें। तो यही तक थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, मिलता हूं आप लोगों से एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।